चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का मौसम जो है वो लगातार बदलता रहता है। देर रात की अगर बात करें तो बारिश यहाँ हुई थी और हम सुखना लेक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बोटिंग यहाँ चल रही है, जो सैलानी आते हैं वो बोटिंग करते हैं और पानी भी आप देख सकते हैं सुखना लेक में पानी अभी पहले काफ़ी कम हो गया था लेकिन अब पानी ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का आनंद लेने के लिए और घूमने के लिए लोग चंडीगढ़ पहुंचते हैं। हालांकि कई दिनों से गर्मी जो है उसने अपना पूरे चरम के ऊपर थी और बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी और कब राहत मिलेगी, लेकिन अब कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब मौसम कहीं ना कहीं सुहावना है। आप कहाँ से आए हैं जी? दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है चंडीगढ़ का मौसम? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का मौसम, क्योंकि लगातार कई दिनों से गर्मी चल रही थी और गर्मी के कारण लोग हुमस महसूस कर रहे थे, ह्यूमिडिटी काफी थी और अब जो है कहीं ना कहीं बारिश जो हुई है तो उससे राहत मिली है और राहत में लोग मिली है तो इसीलिए लोग निकल करके आए हैं और सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। ग्वालियर से आए जी। कैसा लग रहा है चंडीगढ़ का मौसम? हाँ, अभी तो ठीक है, बारिश के चक्कर में अच्छा लग रहा है। पहले गर्मी लग रही थी तो अब ऑब्वियसली हर जगह गर्मी थी, लेकिन बारिश के मौसम से टेम्परेचर डाउन हुआ तो अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ घूमने आते हैं चंडीगढ़ को, इसीलिए द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पहुंच करके मौसम का आनंद लेते हैं। और अब मौसम जो है वो काफी सुहावना हो गया है तो लोग जहाँ बच्चों के साथ घूम रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, वहीं मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं और जो बाहर से आए हैं लोग वो भी अपने पूरे पर्यटन का आनंद उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी राहत यहाँ मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बारिश और होगी और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उसका मजा आम आदमी उठाता ही है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।